प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायबरेली को दी बड़ी सौगात। एम्स में आज से आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित विभाग की ओपीडी का हुआ उद्घाटन। उद्घाटन के पहले दिन ही इलाज कराने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे मरीज। शहर के मुंशीगंज कस्बे में स्थित एम्स रायबरेली के कैंपस में आज आयुष ओपीडी का उद्घाटन किया गया। आयुष डॉक्टर हरकिशन पारित ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा जिले को बड़ी सौगात दी गई है, जिसकी ओपीडी का आज उद्घाटन किया गया। ओपीडी शुरू होने के बाद भविष्य में आयुष मंत्रालय के द्वारा 30 बेड का हॉस्पिटल भी प्रस्तावित है, जिसमें जटिल से जटिल रोगों का आयुर्वेद की पद्धति से इलाज किया जाएगा। मैं डॉक्टर हरिकृष्ण पारिक अभी नया आयुष मेडिकल ऑफिसर के रूप में एम्स रायबरेली में तैनात हुआ हूँ। इससे पहले सर 6 साल मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सेवाएं दी है सर। आज रायबरेली जिले को प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी। एम्स की एम्स में जो है वो आयुष की ओपीडी का उद्घाटन हुआ है, तो क्या है ओपीडी में, क्या है, किस तरह सुविधाएं मिलेंगी या मिलेगा? सर अभी वर्तमान में तो हम ओपीडी लेवल से स्टार्ट किए हैं, लेकिन आगे 30 बेडेड आयुष हॉस्पिटल, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथ और सिद्धा मेडिसिन, सारे के एक एक मेडिकल ऑफिसर की यहाँ तैनाती होगी। और उसके साथ में हम पंचकर्म और पंचगव्य चिकित्सा, उसके माध्यम से भर्ती मरीजों का इलाज करेंगे। सर पंचकर्म चिकित्सा के अंदर 5 कर्म होते हैं, वमन, विरेचन, बस्ति, रक्तमोक्षण। इससे शरीर क्लिंजिंग, मतलब शरीर के शोधन की प्रक्रिया की जाती है। और पंचगव्य चिकित्सा सर वैसे मोदी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, ये भी भारत की गौ माता है, भारतीय नस्ल की गौ माता, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम भी सर, हमारा जो शास्त्र है चरक या सुश्रुत, हर बीमारी में गाय के घी, दूध, दही या गौमूत्र से उनका चिकित्सा में उपयोग किया गया है, तो वो ही चिकित्सा पद्धति हम इसमें ऐड करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।